इंग्लैंड सीरीज के बाद अब बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज खेलेगा भारत। 15 सदस्यीय टीम का हुआ ऐलान। पंत कोहली और ईशान की होगी वापसी। भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड के साथ घरेलू सीरीज में व्यस्त है। दोनों के बीच 5 टेस्ट खेले जाएंगे। टीम इंडिया पहले 4 में से 3 मैच जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। बता दें, इसके बाद भारतीय टीम अगली टेस्ट सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ खेलने उतरेगी। इस श्रृंखला में उनके स्टार खिलाड़ियों जैसे विराट कोहली और ऋषभ पंत की वापसी होने जा रही है। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से छुट्टी ले ली थी। हालांकि यह अमूमन देखने को नहीं है जब किंग कोहली ने टेस्ट सीरीज में हिस्सा न लिया हो। दरअसल उनकी वाइफ ने दूसरे बच्चों को जन्म दिया था, इसी वजह से उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। हालांकि वह अगले टेस्ट सीरीज जो बांग्लादेश के खिलाफ होगी उसमें वापसी करेंगे। उनके साथ विकेट कीपर बल्लेबाज पंत व ईशान किशन भी भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किए जा सकते हैं। पंत लंबे समय से चोटिल थे, वहीं ईशान को बीसीसीआई से पंगे लेने के चलते टीम से बाहर कर दिया गया है। भारतीय टीम इंग्लैंड के बाद अगली टेस्ट सीरीज बांग्लादेश के साथ खेलने वाली है। इसके लिए बांग्लादेशी टीम भारत का दौरा करेगी। बता दें कि दोनों ही टीमें 2 टेस्ट और 3 T20 मैचों की श्रृंखला में शामिल होगी। इसके कार्यक्रम का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। सितंबर और अक्टूबर में ये दोनों द्विपक्षीय श्रृंखला में हिस्सा लेगी। इससे पहले दोनों की भिड़ंत पिछले साल विश्व कप के दौरान हुई थी। टीम इंडिया ने उन्हें पटकनी दी थी। बांग्लादेश के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा के हाथों में रह सकती है। गौरतलब है कि उन्हें अपने नेतृत्व में पिछले साल ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में मात दी। वहीं 2023 के आखिरी में साउथ अफ्रीका में टेस्ट ड्रॉ करवाने के अलावा इस साल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीताकर उन्होंने अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत की संभावित स्क्वाड इस प्रकार हो सकती है। रोहित शर्मा जो कि भारतीय टीम के कप्तान होंगे, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, सुमन गिल, विराट कोहली, सरफराज खान, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविंदर जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप।